हेलो एवरीवन, मैं कृतिका, वेलकम टू माय चैनल। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ मैंने सारे के सारे प्लांट्स जो अपने लास्ट ऑनलाइन शॉपिंग करी थी, तो वो मैंने सारे प्लांट्स अपने रीपॉट कर दिए हैं। मेरे पास कभी कंटेनर्स बहुत सारे थे नहीं, तो मैंने छोटे छोटे पॉट्स में लगाए हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे से प्लांट्स हैं ना, इसलिए मैंने अभी इनको छोटे पॉट्स में जो भी मेरे पास अवेलेबल थे मैंने उनमें इनको शिफ्ट कर दिया है। एंड अभी मैंने इसको शेडेड एरिया में रखा है। यहाँ देखो बालकनी से लाइट बहुत अच्छी आती है, बट शेडेड एरिया में रखा है, जिससे कि ये प्लांट्स जो हैं अभी इनको क्योंकि रिपॉट कर रहे हैं तो थोड़ा शॉक में है, अच्छे से सर्वाइव कर सके। तो लेकिन ये जो मेरा लिपस्टिक प्लांट था ना, वो थोड़ा सा ख़राब हो रहा है, मे बी ठीक हो जाए, आई डोंट नो, बट शायद सही हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। आज हम बात करने वाले हैं कुछ इंडोर ब्यूटीफुल यूनिक प्लांट्स के बारे में, तो जो कि लो लाइट में आराम से सर्वाइव कर जाते हैं। मैं आज आपको वही प्लांट्स दिखाने वाली हूँ। तो फर्स्ट प्लांट है हमारा स्नेक प्लांट। ये मेरा स्नेक प्लांट है। मेरे पास में स्नेक प्लांट की 3-4 वेराइटीज़ हैं, मैंने पहले भी आपको वीडियोस में शो करा है। तो एक मेरा स्नेक प्लांट ये है, एक ये बर्ड नेस्ट है, एक ये है। तो आप इसको भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, बहुत इजी रहता है। देखिएगा, इसमें से ये जो स्नेक प्लांट है ये अपने पप्स रिप्रोड्यूस करता रहता है, या फिर आप इसको कट करके और उसको पानी में या सॉइल में भी ग्रो कर सकते हैं। ये एक ऐसा प्लांट है जो आराम से आपका लो लाइट में, अगर आप इसको थोड़ा सा ऐसी जगह पर भी रख देते हैं जहाँ पर आप सिर्फ लाइट लाइक ट्यूबलाइट्स यूज़ करते हैं, या फिर आप बल्ब्स यूज़ करते हैं बट वहाँ पे प्रॉपर लाइट नहीं आती है, तो वहाँ पर भी आपका ये जो स्नेक प्लांट है वो आराम से चलता रहता है, कोई इश्यूज़ नहीं रहते। ये बहुत ही लो लाइट में चलने वाला एक हार्डी प्लांट है। तो ये मेरा है फर्स्ट प्लांट, जो कि मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगी आप अपने इंडोर गार्डन को और ब्यूटीफाई करने के लिए आप उसको ऐड करें। काफ़ी कलर्स आते हैं तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है ये। नेक्स्ट प्लांट है मेरा बैम्बू प्लांट। मैंने ये स्पाइरल बैम्बू अभी थोड़े टाइम पहले ही ऐड करा है। इसको भी ज़्यादा लाइट की नीड नहीं रहती है, आप इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे थोड़ी बहुत भी अगर लाइट आती है तो ये चल जाता है। और ये देखने में भी, अगर आप इसको किसी फैंसी बॉटल्स में या कहीं पर भी रखते हैं ना, तो ये बहुत ही सुंदर लगता है। इसको भी प्रोपोगेट करना बहुत आसान है, ये इसके नोड एरियाज रहते हैं। अगर आप इसको यहाँ से कट करके और उसको पानी में डाल देंगे तो थोड़े टाइम के बाद में यहाँ से इसका जो न्यू ग्रोथ है या फिर रूट्स जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी आनी, तो बहुत ही आसानी से चल जाते हैं। एक मेरे पास में बैम्बू का ये है, मुझे इसका नाम नहीं ध्यान आ रहा, बट ये इस तरीके का बैम्बू रहता है। ये बहुत ऊपर ऐसे लंबा लंबा चला जाता है, पेंसिल्स जैसा सा बैम्बू है ये। इसको आपको थोड़ा पानी का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, सॉइल के नीचे भी नीचे आपको उसको थोड़ा सा पानी भर के रखना पड़ता है, जिससे कि इसकी जो सॉइल है वो हमेशा वेट रहे। नहीं तो ये देखिए थोड़ा सा ये ऐसे करके ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ता है। अदरवाइज़ ये बहुत दूर से दिखने में ये बहुत ही सुंदर लगता है एंड बहुत ही प्यारा प्लांट है ये। तो नेक्स्ट प्लांट किस तरफ चलते हैं जो कि लो लाइट में आराम से चल जाता है, तो वो है ये मेरा रबर प्लांट। मेरे पास में ये रबर प्लांट मैंने परचेज करा था एंड ये बहुत अच्छा और हेल्दी चल रहा है। ग्रीन रबर प्लांट है ये। आप इसकी लीव्स देखिएगा, कितनी शाइनी और कितनी सुंदर लीव्स हैं इसकी। इजी टू मेंटेन प्लांट है, मैंने इसको कॉर्नर में रख रखा है, लाइट्स को मिलती है। अगर आप इसको अपने लिविंग एरिया में डेकोरेट करने के लिए आप रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, बहुत आराम से चलता रहता है। ज़्यादा लाइट की इसको नीड नहीं है, मेंटेनेंस कुछ नहीं है, मंथली आप इसको फर्टिलाइज़र दीजिए। एंड ग्रो थोड़ा स्लो होता है, ग्रोथ में थोड़ा सा रहता है कि हाँ बहुत स्लो ग्रोइंग प्लांट है। एक ये इसमें से न्यू उसका लीव आनी स्टार्ट हुए, लेकिन 15 डेज हो गए मुझे इसको देखते हुए, धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, तो बहुत टाइम टेकन है ये प्लांट, बहुत टाइम कंज्यूम करता है, बहुत आराम आराम से बढ़ता है। लेकिन कलर एंड ये जो इसकी शाइनिंग है बहुत ही सुंदर लगती है, आप अपने लिविंग एरिया में इसको ऐड कर सकते हैं, बहुत ही सुंदर प्लांट है ये। तो नेक्स्ट प्लांट हमारा आ जाता है ये एग्लोनीमा की वैरायटीज़ हैं। ये मेरे पास में दो प्लांट्स हैं। आप इसकी लीफ देखिएगा, कितनी ब्यूटीफुल लीफ है इसकी एंड बहुत ही सुंदर लगती है। ये काफ़ी हेल्दी प्लांट हो रहा था बट ये बंदर ने तोड़ दिए हैं मेरे प्लांट्स, तो बहुत ही सुंदर प्लांट लगता है ये। एंड आप ये वाला भी देखिएगा, थोड़ा डेफिनबेगिया के जैसा सा लगता है ये इसका कलर, बट बहुत ही सुंदर लगता है। आप इसको भी लो लाइट में रख सकते हैं, बहुत अच्छे से आपका चलता रहता है, केयर ज़्यादा नहीं है, मंथ में आप इसको फर्टिलाइज़र दें, थोड़ा पानी का ध्यान रखें, पानी बहुत ज़्यादा नहीं देना है, और बहुत ही आराम से आपका ये प्लांट चलता रहेगा। एंड अगर आपको अपने गार्डन में, इंडोर गार्डन में कलर्स ऐड करने हैं तो एग्लोनीमा की बहुत सारी वेराइटीज़ आती हैं, बहुत सारे वेरिएशन आते हैं, कलर्स आते हैं, तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं, तो बहुत प्यारा प्लांट है ये। नेक्स्ट प्लांट,
तो इसके बाद में है मेरा नेक्स्ट प्लांट एज यूजुअल वन ऑफ माई फेवरेट प्लांट कोलियस। कोलियस के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आप इसको सनलाइट में रखें, सनलाइट में जो उसकी लीव्स हैं वो बर्न करनी स्टार्ट कर देती हैं। आप इसको लाइट में रखें, प्रॉपर लाइट आनी चाहिए तो ये प्लांट बहुत अच्छे से चलता रहता है, आपको कोई इशू नहीं होगा। आप इसको लाइट पे रखते हैं तो ना इसकी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती रहती है। मैंने जहाँ पे ये इधर अपने प्लांट्स लगा रखे हैं यहाँ पर सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती है, बस यहाँ पे लाइट रहती है। तो प्रॉपर लाइट में देखिए प्लांट्स कितने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं, मेरे सारे के सारे प्लांट्स बहुत अच्छे से चल रहे हैं। तो इसीलिए आप इसको भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं। इसके कोलियस के बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं, तो ये प्लांट्स इस तरीके के हैं जिससे कि आप खूब सारे कलर्स ऐड कर सकते हैं, अलग अलग तरीके के अलग अलग पैटर्न के प्लांट्स आते हैं, बहुत ही सुंदर और बहुत ही सस्ते मिल जाते हैं। 25-30 रुपीज़ के प्लांट आपको कोलियस के आराम से मिल जाएंगे किसी भी नर्सरी पर। तो नेक्स्ट प्लांट है मेरा ये क्रोटॉन का प्लांट। मेरे पास में क्रोटॉन के 2-3 वैरायटीज़ हैं, तो अगर आप इस प्लांट को ऐसा रखते हैं कि लो लाइट में अगर आप इसको रखते हैं ये प्लांट आपका बहुत अच्छे से चलता रहता है। एंड अगर आप अपने गार्डन में कलर्स ऐड करना चाहते हैं तो ये प्लांट भी उसके लिए परफेक्ट है। आप इसके कलर्स देखिए कितने सुंदर कलर्स हैं इस प्लांट के, एंड कितना बुशी प्लांट है ये, बहुत ही सुंदर लगता है मुझको, बहुत ही अच्छा प्लांट है ये। लो मेंटेनेंस प्लांट है, कोई ज़्यादा आपको इसकी केयर नहीं करनी है, आराम से आपका ये प्लांट चलता रहेगा। तो नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये स्पाइडर प्लांट। ये बहुत ही हार्डी सा प्लांट है और अगर आप इसको लो लाइट में भी रख देते हैं तो ये बहुत आराम से आपका प्लांट चलता रहता है। इसको प्रोपोगेट करना एज यूजुअल मैंने आपको बताया था बहुत ही ईजी है। जब ये प्लांट मेच्योर हो जाता है तो इसमें से काफ़ी सारे पप्स निकलने लगते हैं और उन्हीं पप्स को डिवाइड करके आप इसको लगा सकते हैं। अगर आपके पास में कहीं पर भी आसपास ये प्लांट हो तो आप लगाएं। कम लाइट में ये प्लांट बहुत आराम से चल जाता है, कोई इशू नहीं होता है। फर्टिलाइज़र आप इसे महीने में या 1.5 महीने में एक बार लिक्विड फर्टिलाइजर दे दें या फिर आप उसको सीवीड फर्टिलाइजर, कोई भी होममेड फर्टिलाइजर दे सकते हैं, बहुत आराम से ये प्लांट आपका चलता रहता है। एंड इसका जो ये ग्रीन और ये जो इसका कलर है ये बहुत ही सुंदर लगता है देखने में, तो आप अपने इस प्लांट को अपने गार्डन में ज़रूर ऐड करें। देन नेक्स्ट प्लांट है हमारा ये टेंगल हार्ट का प्लांट। मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में दिखाया था, ये प्लांट भी मेरे पास में बहुत अच्छा चल रहा है। एंड देखिए इसमें न्यू ग्रोथ भी बढ़िया से स्टार्ट हो गई है, अच्छे से चल रहा है बहुत ज़्यादा प्लांट। अगर आप कहीं पे लो लाइट में प्लांट रखना चाहते हैं तो ये प्लांट बहुत ही सुंदर लगता है, पूरा साल आपका ये चलता रहेगा। एंड जब ये हैंग करता है तो बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है प्लांट। तो आप इस प्लांट को भी अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं, मुझे तो ये प्लांट बहुत ही अच्छा लगता है, काफ़ी टाइम से मेरी विश लिस्ट में था, बड़ी मुश्किल से मुझको ये प्लांट मिला है। तो ये वाला प्लांट भी आप अपने नर्सरी में ऐड कर सकते हैं, बहुत ब्यूटीफुल प्लांट है। तो आज के लिए बस इतना ही, जल्द ही मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।